तो गाइस मैं जो ये टीवी दिखाने वाला हूँ ये बहुत पुराना टीवी है, जब मैं बहुत ये पड़ जाती है हमारे पीछे शादी को लेके, इतनी जल्दी शादी का क्या करूंगा बताओ। मैं अभी नानी से मिलने जा रहा हूँ, नानी के लिए मैंने मिठाई पैक करा ली है। अभी मेरा लुक कैसा हो रहा है, अभी मैं बियर्ड कटवाने जा रहा हूँ, अपनी बियर्ड ट्रिम कराऊंगा, तब उसके बाद अपना लुक दिखाता हूँ आपको। ये देखो मेरे पास ऐसे सोता है ऑस्कर, ये देखो ये है बाबू। बाबू सो जाओ सो जाओ। तो गाइज ये मेरा ब्लॉग आज का होने वाला है स्पेशली मेरी नानी के साथ, जो कि मेरी नानी हमेशा मेरी शादी को लेके मेरे पीछे पड़ी हुई हैं और हमेशा मेरे पीछे ही रहती हैं। बोलती हैं जल्दी से शादी कर ले, मैं मर जाऊंगी, क्या हो जाएगा पता नहीं टाइम का। तो मैं बोलता हूँ नानी अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको, आप हमारे साथ हो और हमारे साथ रहोगी, बस उनको यही है जल्दी से मैं शादी कर लूँ। अरे भाई क्यों इतनी जल्दी शादी बर्बादी, तो शादी इतनी जल्दी नहीं करनी जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊँगा। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे इतना मिल रहा है, मैंने जो अपने गांव वाला ब्लॉग डाला है गाइस, मैं समझ नहीं पा रहा, उस पर इतने सारे व्यूज़ आ गए हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे मतलब इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं और इतने सारे व्यू आ गए हैं और लोग उसे प्यार दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे अच्छे पॉजिटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं उस पर, और मेरी दीदी और मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा बोला जा रहा है, मम्मी और पापा के लिए भी बोल रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं आप सभी को, जो भी मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं और जिन्होंने भी मेरा व्लॉग देखा, मैं उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। मतलब चाहूँगा क्या मैं कह रहा हूँ, और जो भी मेरा ब्लॉग देखेगा उसको भी मैं दिल से ही थैंक यू बोल रहा हूँ। तो गाइस जल्दी से जाइए और ये वाला ब्लॉग जो मैं अब मैंने बनाया है, ये वाला ब्लॉग भी देखो मेरी नानी ने मेरे को क्या बोला है। मैं अपनी नानी से मतलब जितना अपनी दादी से प्यार करता था उतना ही अपनी नानी से प्यार करता हूँ, और जो मेरी दादी थी वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, और नानी भी बहुत अच्छी है मेरी। नानी मतलब जितना मम्मी को प्यार करती है उतना ही फैमिली में मुझे, दीदी को, पापा को, सबको प्यार करती हैं, बट लेकिन मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा करती हैं, मतलब उनका तो मैं बता ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे नानी से बहुत लगाव है और नानी हमेशा मेरे पीछे रहती है, शादी कर देखो इस ब्लॉग में देखो क्या बोल रही हैं। गाइस मेरा लुक ये आया है और मेरा बहुत ही पतला फेस लग रहा है, अभी मत बोलना कोई भी कि मोटा लग रहा है। तो गाइस यहाँ से लिया है मैंने ऑस्कर का फूड, ये वाला खाता है वो वेट प्रो। गाइस मैं आया हूँ बहादुर अंकल को हॉस्पिटल लेके, क्योंकि इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। तो गाइस बहादुर अंकल का और मेरा हॉस्पिटल में जाने का कुछ फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर इतनी भीड़ मिली, क्योंकि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और बहुत ही बड़ा था, तो बुआ जी ने बोला बुलंदशहर होगा इनका ऑपरेशन, तो वहाँ पर फाइनली अब हो गया और वो ठीक भी हैं। गाइस ये है वो समोसा जो मुझे बहुत फेवरेट है। ये वाले समोसे हैं, अब इस तवे पे काट के ऐसे देते भैया बहुत अच्छे से, बताओ ऐसे ऐसे किस किसने खाए ये वाले समोसे। और मैं यहाँ पर मार्केट में हूँ, सिम्भावली मील वाली मार्केट में, इधर फ्रूट्स वगैरह, जिस समोसे की मैं बात कर रहा था ना काट के जो देते हैं तवे पे, वो मतलब बहुत सालों से मैंने खाया नहीं है, तो वो मैं अब समोसे खाने वाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे। मैं अभी नानी से मिलने जा रहा हूँ, नानी के लिए मैंने मिठाई पैक करा ली है, और क्या लूँ अब मैं, पहले पेटीएम कर देता हूँ। नानी का ऊपर रूम, नानी नमस्ते, बैठो बैठो आप बैठो, ठीक हो? देखो मैं आ गया आपसे मिलने और आप घर पे ना आई, बेटे में भी बीमार है, का बीमार हो देखिए उसको, सांस फूल रहा है बहुत, खर खर आवाज आ रही है। मम्मी से कब से ना मिली हो बताओ? अभी तो आई थी मम्मी की तरफ। मतलब आपके लिए मिठाई लेके आऊँ बढ़िया वाली, दिखाऊँ कौन कौन सी खाती हो तुम, कौन कौन सी खाती हो? कोई सी ना खाती, मैं बतेरी खाती रहूं तुम्हारा। हमारा क्या कर रही हो? रेगा एक आदमी मैं, ये देखो नानी मुझे बहुत प्यार करती है। और मैं तो बहुत करो, तू ना करता मुझे? हाँ बहुत करे, मेरी नानी बहुत अच्छी है। नानी मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, ये आपको खानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा क्या क्या पसंद है आपको बताओ? ये तू खवा दी। क्या आपके पसंद का फेवरेट क्या है आपका? मतलब मिठाई में ज्यादा क्या खाती हो आप? चमचम बढ़िया लगा है। तो इसे खोलो, इसमें क्या होगा बताओ? पता नहीं। चलो खोलो डब्बा। हाँ अब देखते हैं नानी की पसंद का इसमें क्या है।
ये देखो मिक्स मिठाई है, मुझे पता नहीं था नानी के पसंद का क्या है। और नानी इसमें देखो चमचम भी है आपके लिए, ये देखो दो पीस है, ठीक है खा लेना। और भाई सागर ये मेरे मामा का बेटा है और ये उसका फ्रेंड है, क्या नाम है इसका? अंशुल। सागर नानी के पास ही रहता है सबसे छोटे बचपन से ही, मतलब ये नानी के पास रहता है, नानी ने इसे पाला है, ये नानी की सेवा करता है अपनी अम्मा की। मेरे बच्चे अभी नहीं होंगे, बड़े हरामी हो बेटा। मैं अभी कम से कम 6-7 साल नहीं करूंगा। क्या बच्चे शादी नहीं जल्दी होगी? ऐसे नहीं होगी ना बेटा, बहुत दिन हो गए। अरे नानी बात ना है, कैसी अपमान जनक बातें करा रहा ये। गाइस अभी मैंने राखी बंधवाई है, मेरी मामा की बेटी है ये भी, और ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। देखो कितना सारा हाथ भर गया है मेरा, बट लेकिन अब ये है कि वो बड़ी वाली जो राखी आती थी ना पहले, हाथ में मतलब बांधने के बाद पूरा हाथ भर जाता था। अब मैं इन्हें गिफ्ट दूंगा, पर दिखाऊंगा नहीं क्या दूंगा। क्या चाहिए भाई बताओ? कुछ भी दे दो। तुझे क्या चाहिए? अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो। कुछ भी क्या, आज तो तुम्हारी मर्जी चलेगी ना, आप अपनी मर्जी से। है भाई प्रिया क्या देगा? क्या कर रही हो नानी? क्यों डांट रही हो? क्यों तेरी बहू को नहीं, इसकी बहू को कह रही मैं। हाँ इसे ही क्यों डांट रही हो? सही डांट रही हूँ, बिल्कुल भी। अच्छा इसमें ऐसा क्या और उसमें क्या है? वो इतनी है मुझे। अच्छा और ये? वो तो तंग रहता है। अच्छा मतलब मतलब नानी मेरे जो फ्रेंड की शादी होने वाली है उसको मना कर रही है, लड़की पसंद नहीं है नानी नहीं को करनी, नहीं करनी। चलो ठीक है, कोई तकड़ी अच्छी। अच्छा ठीक है नानी। तो गाइस मैं जो ये टीवी दिखाने वाला हूँ ये बहुत पुराना टीवी है, जब मैं बहुत मतलब छोटा सा था, मुझे कुछ याद भी नहीं है, और बस मुझे हाँ ये याद है जब भी मैं नानी के पास आया तो मैंने इस वाले टीवी में वो वाला गाना सुना था, छमा छम छम के अंगूरी बदन। वो वाला गाना कब आया था ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट लेकिन वो वाला गाना मैंने इसमें सबसे ज्यादा सुना। और ये बहुत पुराना टीवी है, अभी भी नानी ने इसको सेफली रखा हुआ है। मेरे मामा के लड़के ने देखो पिटबुल पाला हुआ, ये बहुत खतरनाक रहता है, सर में भी चोट लगी है। ले डर लग रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, जो पहले बहुत साल पहले जो छत होती थी वो, जैसे अब तो लैंटर डल जाता है और गाटर पट्टियां डलती हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब किसी भी चीज की छत बना सकते हो, पीओपी वगैरह रहती है। लेकिन बहुत साल पहले जो छत रहती थी वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, बताना किस किस के घर में आज भी ऐसी छत है। तो मेरी नानी के घर में तो ऐसी छत है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये है मेरे नाना का फोटो, और मैं आपको नानी आप नहीं कह रही हूँ क्या देगा, और सोने का टीका देगा क्या देगा? बिल्कुल दे दूंगा मैं, मेरी बहन है। देखो ईंट और लकड़ी की ये जो रहती है ऐसी छत है मेरी नानी के घर में आज भी, और ये पंखा लग रहा। नानी ये कितने साल पुराना होगा घर? ये तो भैया बहुत पुराना घर। कितना पुराना? 25-30 साल का ज्यादा। अरे और ज्यादा ही, 25-30 साल? 50 का कम से कम। 50-60 साल? 50-60 साल। नाना को मरे को कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। 19 साल हो गए, तो उससे भी पहले का बना हुआ है ना? हाँ। तो हो गए होंगे ना 40-50 साल। हाँ। तो नाना ने बनवाया ना ये घर, और ये जो डिजाइन फर्श में जो होते हैं ये भी सब उन्होंने करवाए। ये मेरे नाना है, इन्होंने मम्मी को बहुत प्यार करा। और देखो ये होता है जिसमें दीपक वीपक रखते हैं, इसको बलते है आला। और ये हो, ओ नानी इतना पुराना टीवी भी रखा है आपके घर में। देखो नानी पड़ जाती है हमारे पीछे शादी को लेके, इतनी जल्दी शादी का क्या करूंगा बताओ? शादी करके कई साल हो गए, घेरा घारी तो कामयाब तो होने दो, जब हो जाएगा कामयाब। घेरा घारी ऐसी तो होती रहती है। देखो मुझे भाई डर लगता है पिटबुल से। बाय नानी। नानी पीछे को जाओ, आगे को नानी भाई, नानी भाई रास्ता में देखा पीछे जा रहे हैं। नानी भाई इधर से निकल जाएंगे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं ब्लॉग का करता हूँ यही एंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इंस्टा आईडी sunsing5070 को जरूर फॉलो करें, उस पर मेरी जो मॉडलिंग पोस्ट है, जो मैं मॉडलिंग करता हूँ उसकी फोटो मिलेंगी और वीडियोस मिलेंगी उसी से रिलेटेड।
और उसके ऊपर भी मैं एक दिन ब्लॉग बनाऊंगा। और अभी जल्दी से जाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। बाय।